गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऐसे क्लास थर्ड का चैप्टर चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम काले रंग की कामधेनु। कामधेनु का मतलब होता है भैंस, ठीक है। गांव में सभी लोग चौधरी साहब की भैंस की प्रशंसा करते थे। कोई कहता भैंस मन दूध देती है, एक मन दूसरी उसकी बात करता, खैर एक मन तो नहीं पर 25 शेर से कम दूध नहीं है भैंस के नीचे। बातचीत में पंडित जी शामिल होते तो कहते, भैया यह भैंस नहीं काले रंग की कामधेनु है। कामधेनु इस भैंस के स्वामी चौधरी जोरावर सिंह सचमुच बड़े खुशहाल थे। जो भैंस रखे थे उनका नाम जोरावर सिंह था। 100 बीघा जमीन थी उनके पास, उसमें भरपूर पैदावार होती थी। घर में मौज थी, परिश्रमी पत्नी थी, 4 बेटे थे। बड़े बेटे की उम्र 13 साल थी, सबसे छोटा बेटा अभी 1 साल का था। आगे है, चौधरी साहब खेती बाड़ी संभालते थे। चौधराई घर के काम काज के साथ साथ बैल और भैंस को भी मन से सेवा करती थी। बैल और भैंस उससे बहुत लगाव रखते थे। भैंस इतनी हटित हो गई थी कि चौधराइन के अलावा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। एक बार चौधराइन को अपने पीहर जाना पड़ा। पीहर का मतलब होता है मैये। यहां से 5 किलोमीटर की ही तो दूरी थी। शाम को 5 बजे दूध निकाला और छोटे बेटे को गोद में लेकर अपने गांव चली गई। तय यह हुआ कि वे सवेरे 6 बजे तक वापस लौट आएगी, आकर भैंस का दूध निकाल लेगी। चौधरी साहब अगले दिन सवेरे 4 बजे उठे और पशुओं को चारा पानी दे दिया। बैल तो खा पी कर बैठ गए और आराम से जुगाली करने लगे, लेकिन भैंस भर पेट राति खाकर 5 बजते ही रेखने लगी। राति का मतलब होता है चोकर, खली आदि। 10-5 मिनट तो रेखने की आवाज धीमी रही, फिर 5:30 बजे 5:30 बजते वह तीव्रतम होती गई। वह रेंगती हुई अपने खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चौधरी साहब भैंस की व्यग्रता का कारण भली भांति समझ रहे थे पर असहाय थे, क्योंकि उनको सहायता करने वाले कोई नहीं थे। एक तो पत्नी थी, फिर भी वह अपने मायके चली गई थी, इसके चलते वह असहाय थे। 6 बजे भैंस उग्र हो उठी और चौधरी साहब चिंतित। वे पड़ोस के एक महिला को दूध निकालने के लिए बुला लाए। महिला ने भैंस को थोड़ी देर सहलाया, फिर दूध निकालने बैठी। भैंस ने महिला को देखा, सूंघा, फिर उसे लतिया कर पुरस्कृत कर दिया। महिला लंगराती कराती हुई अपने घर लौट गई। अब तो भैंस ने दूध देने के लिए रेख रेख कर आसमान ही सिर पर उठा लिया। चौधरी साहब अपनी पत्नी के लौटने की आशा में बार बार दरवाजे तक जाते और मुंह लटकाए भीतर चले आते। वे बेचैन होकर बरामदे में टहलने लगे। अचानक
बूटी पर नजर जाते ही उनके मस्तिष्क में बिजली सी क्रोध गई। खूंटी पर चौधराइन के कपड़े टंगे हुए थे। चौधरी साहब मन ही मन सोचने लगे, यह नायाब नुस्खा मेरे दिमाग में पहले से क्यों नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए चौधराइन की कमीज और लहंगा पहन लिए। कौन पहन लिए? वही चौधरी जिनका नाम जोरावर सिंह था। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ली घूंघट निकाल दिया। अब वे बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए बैठे। भैंस चुपचाप खड़ी होकर जुगाली करने लगी। चौधरी साहब मन ही मन खुश हो रहे थे, उन्होंने भैंस को चकमा दे दिया है। तभी भैंस को अचानक न जाने क्या हुआ कि वह मुड़कर चौधरी साहब को सूंघने लगी, फिर पैर इधर उधर हटाने लगी। चौधरी साहब ने एक डंडा उसकी टांग पर जड़ दिया। भैंस डरने के बजाय और उग्र हो उठी। उसने चौधराइन बेसधारी चौधरी साहब की ओर फिर मुड़कर देखा। बाप रे, हाथ खुले घूंघट में से चौधरी साहब की लंबी लंबी पूछे झलक रही थी। लंबी मूछ वाली चौधराइन भैंस ने अब तक न देखी थी। उसने भरक भरक कर ऊंची कूद का कार्यक्रम शुरू कर दिया। चौधरी साहब ने गुस्से में भरकर भैंस की पीठ पर लाठियां बरसा दी। भैंस ने भरक कर जोरदार झटका मारा और खूंटा उखाड़ कर बाहर भाग निकली। अब अपनी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ भागती हुई भैंस आगे आगे और जनानी कमीज और लहंगा पहने दौड़ते हुए लाठीधारी चौधरी साहब पीछे पीछे। चौधरी साहब की विचित्र वेशभूषा देखकर लोग ठहाके लगा रहे थे, यानी कि हंस रहे थे। चौधरी साहब पूरा जोर लगाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते तो भैंस अपनी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंचा देते, यानी कि उससे दुगुना तेज भागती। हर मिनट पर दोनों के बीच फासला बढ़ रहा था। हारे थके चौधरी साहब सोच रहे थे कि आज लाखों रुपए की भैंस हाथ से गई। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने देखा कि बहुत दूर जाकर भैंस रुक गई है। दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा भैंस चुपचाप खड़ी है और चौधराइन उसका माथा सहला रही है। चौधरी साहब पर नजर पड़ते ही चौधराइन ने ठहाका लगाया और बोली, वाह क्या खूब, मेरा लहंगा और कुर्ती तुम्हारे शरीर पर खूब फब रहे हैं। फब का मतलब होता है अच्छा लगना। बेचारे चौधरी साहब खिसिया कर रह गए। अब दूसरे दिन इसका वर्ड मीनिंग आप उतार करके लाएंगे, फिर दूसरे दिन हम इसका प्रश्न उत्तर करवा देंगे। धन्यवाद।